आजकल भारत में चीता सुर्खियों में है क्योंकि ये भारत में विलुप्त हो जाने के 70 साल बाद वापसी कर रहा है। एक लंबे समय से शिकार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसलिए इसको हंटिंग लेपर्ड भी कहा गया। हालांकि खुद चीता नाम संस्कृत के शब्द चित्रकाय से अंग्रेजी में आया है, पर भारत में आमतौर पर लोग चीते और तेंदुए में फर्क नहीं कर पाते, जबकि अगर हम लापरवाही न करें तो दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। कुछ लोग तो बाघ को भी चीता कह देते हैं। राजा महाराजाओं का इतिहास तो आपको कहीं भी पढ़ने सुनने को मिल जाएगा, लेकिन चीते का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। तो अपने अपने वीर रस के घोड़ों से उतरकर 10 मिनट के लिए अपनी अपनी तलवारें मियान में रख देते हैं और थोड़ी चीते की भी सुन लेते हैं। चीता विडाल कुल यानी बिल्ली परिवार का एक बड़ा ही अनोखा सदस्य है और अपने जीनस एसिनोनिक्स की एकमात्र प्रजाति है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका सबसे करीबी रिश्तेदार है प्यूमा, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। जाहिर है कि कोई भी तेज भागने वाला जानवर पहाड़ों पर या घने जंगलों में तो रह नहीं सकता, इसलिए खुले जंगलों में, खास करके घास के मैदानों में, रेगिस्तान वगैरह में ये पाया जाता है। इसकी खुराक भी होते हैं तेज भागने वाले चिंगारे यानी गजेल, काले हिरण वगैरह। बल्कि भारत में एक जमाने में काले हिरण और चिंगारे का सबसे प्रमुख शिकारी चीता ही हुआ करता था। मात्र 200 साल पहले चीता लगभग सारे अफ्रीका में और पश्चिमी और मध्य एशिया से लेकर भारत तक पाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ हजारों साल से उसकी आबादी ढलान पर थी। पहले चीते की 5 उपप्रजातियां यानी 5 सब स्पीशीज मानी जाती थीं, अब 4 ही सब स्पीशीज मानी जाती हैं, जिनमें से 3 अफ्रीका में हैं। भारत में एशियाई चीता पाया जाता था। चीता कोई बहुत सफल शिकारी नहीं है, उसके शिकार की अधिकांश कोशिशें असफल रहती हैं। केवल रफ्तार के भरोसे ही इसका अस्तित्व टिका हुआ है। तेंदुए की तरह चीता पेड़ पर चढ़ नहीं पाता, कोई उसका शिकार छीन न ले, इसलिए उसको जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। तो जमीन पर ताकतवर जानवर उससे शिकार छीन लेते हैं और कई बार उसे मार भी डालते हैं। बच्चे तो और भी कमजोर होते हैं, इसीलिए चीते के बच्चे ज्यादातर बचपन में ही मारे जाते हैं, जवानी तक पहुंच ही नहीं पाते। फिर घास के मैदानों को हमने जंगल समझा ही कब था, जबकि अफ्रीका की सारी सुंदरता घास के मैदानों में ही दिखाई देती है। तो चीते का आशियाना यानी घास के मैदान तेजी से चारागाहों में तब्दील होते चले गए, या फिर उनके खेत खलिहान बन गए और चीते के शिकार गिनती में कम होते चले गए। तब उसे मजबूरन भेड़ बकरियों पर धावा बोलना पड़ता है और वो चरवाहों के हाथों मारा जाता है। चीते की आबादी भी कम घनी होती है, तो रेगिस्तानों में इसका घनत्व और भी कम हो जाता है, तो उसकी गिनती में गिरावट का एकदम से पता नहीं चलता है। भारत में चीते की कहानी कुछ निराली ही है। एक जमाने में ये दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक और पूरब में बंगाल तक पाया जाता था, अपने प्यारे शिकार काले हिरण के साथ। लेकिन यहां भी उसकी आबादी उतनी घनी नहीं थी जितनी कुछ अन्य प्रजातियों की हुआ करती है, इसीलिए ऐतिहासिक स्रोतों में इसका जिक्र कम ही मिलता है। इसके आधार पर वन्य जीवन विशेषज्ञ वाल्मीकि थापर ने एक किताब लिखकर सनसनी फैला दी कि सिंह और चीते भारत में कुदरतन नहीं पाए जाते थे, बल्कि विदेशों से शौक के लिए लाए गए थे। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों और विशेषज्ञों ने इसको सिरे से खारिज किया है। 12वीं सदी से भारत में चीतों को शिकार के लिए पाले जाने के संकेत मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के समय से यह चलन साफ नजर में आने लगा, लेकिन इसको चरम पर पहुंचाया मुगलों ने। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के पास कुछ 1000 चीते थे जिनका शिकार में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे शिकारी कुत्तों का किया जाता है। अकबर के बेटे मुगल सम्राट जहांगीर के समय के भी चीतों के किस्से हैं और जहांगीर का वन्य जीवन से लगाव भी जग जाहिर है। चीतों का शिकार के लिए इस्तेमाल का ये चलन मुगलों के बाद अंग्रेजों के काल में भी बदस्तूर जारी रहा। प्रजनन की बात करें तो पालतू चीतों का प्रजनन के मामले में बहुत ही खराब, बहुत ही कमजोर रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो चिड़ियाघर हो या अन्य कोई कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम।
प्रजनन के मामले में केवल जंगली चीते ही सफल हैं, इसीलिए जंगली चीतों को ही पकड़कर पाल लिया जाता था। भारत के जंगलों में चीता तेजी से खत्म हो रहा था। अंग्रेजों के समय में इनकी बाकायदा जानकारी रखी जाने लगी। इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने भी एक अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश काल में जब कैमरा आ गया तो भारत में चीते की आखिरी झलकियां देखने को मिली। चीते के गायब होने का एहसास सबसे पहले शिकारी राजाओं को हुआ। भारत में अंग्रेजों के राज में तो ऐसी स्थिति आ गई कि अफ्रीका से चीते लाए जाने लगे शिकार के लिए। फिर भारत की आजादी के आसपास छत्तीसगढ़ के कोरिया राज्य के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव का ये फोटो सामने आता है, जिसमें उनके हाथों मारे गए ये तीन चीते जमीन पर पड़े हुए हैं। ये है भारत के जंगली चीतों की आखिरी तस्वीर। इसके बाद भारत में चीता सन 1967 तक किसी किसी को कभी कभी कहीं कहीं दिखाई देता रहा, लेकिन इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं मिल पाए। चूंकि जंगली चीते खत्म हो गए तो पालतू चीते भी भारत में सन 1950 के दशक में समाप्त हो गए। अब आइए देख लेते हैं कि एशियाई चीते का बाकी जगह क्या हाल हो रहा था। ग्रीक संस्कृति में तो डायोनिसस का वाहन या उसके साथ चीते को दिखाया जाता था। रोमन काल में चीतों का इस्तेमाल शिकार के लिए होता था और सर्कसों में मनोरंजन के लिए। कई रोमन शासक और सामंत चीते को पाल लेते थे। इसकी सुंदर खाल के लिए इसका बेरहमी से शिकार किया गया। इसकी वजह से उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में चीते कम होते चले गए। अगर इस तरह के शौकीन राजा महाराजा अफ्रीका में भी होते तो शायद वहां भी यही हाल होता। बल्कि अफ्रीका के वन्य जीवन पर कहर बरपाया है यूरोप के लोगों ने आकर, और अब बचाने में लगे हैं। सन 1917 में रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ स्थापित हुआ। सारे सोवियत संघ में औद्योगिक क्रांति आई। उसके अलावा खेती बाड़ी में भी क्रांति आई। घास के मैदानों की तो क्या कहें, रेगिस्तानों के भी खेत बना दिए गए। सोवियत ने दुनिया को आर्थिक प्रगति के आंकड़े दिखाकर चौंका दिया, लेकिन यह आर्थिक प्रगति आई थी चीते की बलि देकर। मध्य एशिया के राज्यों का वन्य जीवन, वहां की जैव विविधता तहस नहस हो गई। वहां 1930 के दशक में चीते कुछ ही जगहों पर सिमट कर रह गए। सोवियत के बाहर आकर देखें तो मिस्र के साइनाई में सन 1946 में आखिरी बार चीता देखा गया था। अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर 1957 में, यमन में 1963 में, सऊदी अरब और कुवैत में 1975 में, और ओमान में 1977 में। 1980 के दशक में मध्य एशिया से चीते का सफाया हो गया। इराक में 1991 में एक कार से टक्कर में एक चीते की मौत हो गई। ये इराक में देखा गया आखिरी चीता था। हालांकि बलूचिस्तान में 21वीं सदी तक चीते के संकेत मिलते रहे, लेकिन अब शायद वहां भी कोई उम्मीद नहीं है। अब तो ईरान में भी चीतों का बुरा हाल है। सोचने की बात यह है कि इस पूरे समय भारत के लोग क्या कर रहे थे। उन्हें क्यों नहीं पता चला कि चीता क्या होता है और चीते का क्या हो रहा है। राजा महाराजाओं की वीर रस की अतिरंजित कहानियों की जगह अगर हम चीतों का इतिहास समझ लेते तो कुछ करने की प्रेरणा मिलती। अफ्रीका में औद्योगीकरण भी नहीं हुआ और वहां लोगों को राष्ट्रवाद का बुखार भी नहीं आया, वरना वहां तो और भी बुरा हाल होता। पिछली दो शताब्दियों में चीता गिने चुने देशों में गिनी चुनी जगहों पर सिमट कर रह गया है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या को छोड़कर कहीं भी चीते के लिए कोई शुभ समाचार नहीं है। यूं तो चीते की चारों सब स्पीशीज संकटग्रस्त हैं, पर दो की हालत अत्यंत गंभीर है। भारत में जो चीता पाया जाता था वो एशियाई चीता था, जो अब सिर्फ ईरान में बचा है। लेकिन अब जो भारत में आया है एक अन्य सब स्पीशीज का चीता, जिससे बाकी की सब स्पीशीज विकसित हुई, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। चीते की वापसी के लिए सन 1950 के दशक से प्रयास हो रहे हैं, जो कि कभी हां कभी ना का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। कभी भारत में कुछ दिक्कत आ जाती थी तो कभी ईरान में आफत आ जाती थी। इधर भारत में चीते गायब हो रहे थे, उधर ईरान में सिंह। हम ईरान से चीते मांगने गए तो ईरान ने बदले में सिंह मांगे, जो कि हम देना नहीं चाहते थे, क्योंकि एशियाई सिंह केवल भारत में बचे हैं और एशियाई चीते केवल ईरान में,
और अब तो ईरान में भी केवल गिनती के 12 चीते बचे हैं। हमने तो दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। चीते को लाने के लिए बीकानेर के पास गजनेर में एक सभा हुई, जिसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने चीते को वापस लाने के लिए भारत में 3 जगहों को चिन्हित किया। पहला राजस्थान के जैसलमेर का शाहगढ़ क्षेत्र, दूसरा मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य और तीसरा मध्य प्रदेश का ही कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां दरअसल गुजरात से सिंह लाए जाने वाले थे, लेकिन राजनीतिक दांव पेचों के चलते वो हो नहीं पाया। इन तीनों जगहों में से नौरादेही तय हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल में अचानक से प्लान बदला और अब नौरादेही की जगह कूनो में चीता लाया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट हमने अपने कम्युनिटी पेज पर शेयर कर दी है। जिस भारत में चीता विलुप्त हुआ था उसमें न तो इतनी आबादी थी, न अंधाधुंध सड़कों और रेलवे लाइंस का जाल, न इतनी गाड़ियां और न घास के मैदानों की ऐसी दुर्दशा। तो अब जिस भारत में चीता वापस आया है वो 21वीं सदी का एक अलग ही भारत है। जो भी है, ये एक बेहद महंगा शौक है। कितना सही है ये तो वक्त ही बताएगा।